अब आधार कार्ड बनाने के लिए घंटों लाइनों में लगने से निजात मिलने वाली है। अब आधार कार्ड बनाने की सुविधा बैंकों में मिलेगी। प्रथम चरण में पीएनबी अपने हमीरपुर मंडल में 3 जगहों पर आधार एनरोलमेंट सेंटर स्थापित करने जा रहा है, जिनमें से हमीरपुर मुख्यालय स्थित गांधी चौक की बैंक शाखा में सेंटर स्थापित कर दिया गया है, जबकि बिलासपुर व ऊना की मुख्य शाखाओं में सेंटर खोलने का प्रोसेस जारी है। इन सेंटरों में नए आधार कार्ड बनाने के साथ साथ त्रुटियां दुरुस्त करने के साथ आधार कार्ड एडिट भी किया जाएगा। इन सेंटरों पर आधार कार्ड निशुल्क बनाए जाएंगे। पंजाब नेशनल मंडल हमीरपुर कार्यालय द्वारा पंजाब नेशनल बैंक की बचत भवन शाखा में टैब बैंकिंग के माध्यम से तत्काल खाता खोलना, आधार कार्ड बनाना तथा सिक्का वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन पंजाब नेशनल बैंक हमीरपुर के मंडल प्रमुख सुबोध काला द्वारा किया गया। इस अवसर पर बचत भवन शाखा हमीरपुर प्रभारी शशांक भारती सहित अन्य स्टाफ भी उपस्थित रहा। इस अवसर पर ग्राहकों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। जिला हमीरपुर में योजना के तहत हमीरपुर के डीसी कार्यालय के पास इस योजना के तहत आधार कार्ड को नया बनाया जाएगा, जिसे निशुल्क बनाया जाएगा, जबकि बिलासपुर व ऊना जिले में भी इसे UAIDI के कर्मचारी बैंक में ही स्थापित किए जा रहे हैं। यही नहीं, यदि कोई आधार कार्ड में पता या नाम को ठीक करवाना चाहेगा तो उसे भी उसी समय ठीक कर दिया जाएगा। हालांकि नया बनाने के अलावा जो त्रुटियां ठीक करने को होंगी उसका चार्ज रखा जाएगा, जो बेहद कम रहेगा। इस योजना के तहत बैंक की ओर से जो फीस निर्धारित की गई है उसके तहत आधार कार्ड में गलती को ठीक करवाने के लिए 30 रूपए, प्रिंट कलर लेने के लिए 24 रूपए और ब्लैक एंड व्हाइट कलर के लिए मात्र 12 रूपए देने होंगे। अब नया आधार कार्ड बनाने के लिए कोई निशुल्क नहीं लगेगा। इसी माह से तीनों जिलों में इस योजना को शुरू कर दिया गया है। UAIDI का कर्मचारी जहां नए कार्ड बनाएगा, वहीं पुराने में यदि कोई गलती होगी तो उसका सुधार भी किया जा सकेगा। लोगों का लंबा इंतजार न करना पड़े, इसको लेकर प्रबंध किए गए हैं। गौरतलब है कि हमीरपुर जिला भर में आधार सेंटर बनाए गए थे, जो पहले सरकारी देखरेख में चल रहे थे, लेकिन काफी समय से इन्हें फील्ड स्तर से बंद कर दिया गया है, जिस कारण लोगों को आधार कार्ड बनाने के लिए जिला मुख्यालय की ओर रुख करना पड़ रहा था, जहां इन्हें बनाने के लिए निजी स्तर पर 50 से 100 रुपए तक की राशि को लिया जा रहा था। परिवार के एक से ज्यादा मेंबर होने पर इन्हें नया कार्ड बनाने के लिए काफी राशि खर्च करनी पड़ रही थी, जो अब खर्च नहीं करनी पड़ेगी। माना जा रहा है कि योजना यदि सफल रही तो इन जिलों के फील्ड स्तर पर भी इस सुविधा को शुरू किया जा सकेगा। हमीरपुर के मंडल प्रमुख सुबोध काला ने बताया कि गांधी चौक स्थित बैंक शाखा में आधार इनरोलमेंट सेंटर स्थापित कर दिया गया है, जबकि बिलासपुर व ऊना में प्रोसेस जारी है। जल्द ही वहां पर भी सेंटर स्थापित कर लोगों को बैंक से ही आधार कार्ड बनाने की सुविधा दी जाएगी। लगातार कोई ना कोई नई स्कीम से लोगों को इंट्रोड्यूस करता जा रहा है। अब हमने प्रयास ये किया कि हम अपनी हर ब्रांच के अंदर ऑन द स्पॉट अकाउंट को बैंक के एक अपना हमने टैप बैंकिंग शुरू करी हुई है। हमारा जो एग्जीक्यूटिव है यहीं टैप से ऑन द स्पॉट अकाउंट खोल रहे हैं। आज ये कार्यक्रम हमने कल सुजानपुर में रखा होता और आज हमने बचत भवन हमीरपुर में कर रहे हैं। इसके अलावा आज मेरठ ब्रांच और गरोड़ में भी ये कार्यक्रम रखने का प्रस्ताव है। यहाँ पर इसके साथ साथ आधार जो केंद्र बनाया था, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक ने एक अपना काउंटर आधार बनाने के लिए खोला है, उसकी भी सर्विसेज शुरू कर दी गई है। उसका भी आज इनॉग्रेशन हुआ। इसके साथ साथ हमने हर ब्रांच के अंदर कॉइन डिस्ट्रीब्यूशन काउंटर भी खोले हुए हैं। तो आज तीनों कार्यक्रम को एक साथ किया गया और इस ब्रांच के अंदर आज ये प्रोग्राम रखे हुए हैं। ऐसे प्रोग्राम हमारे इस महीने के अंदर आने वाली कई ब्रांचों में किए जाने का हमारा प्रस्ताव है। साथ में कल हम एक भोपाल में कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक लाडली कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 30 बच्चियों को अडॉप्ट करेगा और उनको बैग्स और नोटबुक्स वगैरह देगा। ऐसी चीजें पंजाब नेशनल बैंक जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के साथ सोशल कॉज भी पूरा कर रहा है, ये हमारा कार्यक्रम है। और हम उम्मीद ये करेंगे कि आने वाले मार्च महीने के अंदर ऐसे कई कार्यक्रम प्रदेश में हम आयोजित करेंगे। कम से कम हमीरपुर मंडल के अंतर्गत ऊना और बिलासपुर और हमीरपुर तीनों डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये कार्यक्रम हम आगे करने जा रहे हैं।